व्हाट्सअप। सो भाई ये कैसे हो गया, कश्मीर किंग एंड जेड इन साथ में गाने का नाम है अवारा। एक दिन में ऑलमोस्ट 1.25 लाख व्यूज हो चुके हैं। देखो यार, ये गाना काफी चीजों की वजह से इंपॉर्टेंट है। नंबर वन की कश्मीर की जो एल्बम आई थी उसमें करम नहीं था, तो हमने कश्मीर और किंग को साथ में काम करते हुए नहीं देखा, बट इस गाने में देखेंगे, देखते हैं इन्होंने क्या बनाया। सेकेंडली, मैं जिसके लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ वो है जेडन और किंग को साथ में देखना। डैम, जब इस वाइब के आर्टिस्ट, क्योंकि जेडन की वाइब तुम्हें पता है, किंग की भी पता है, जब ये दोनों मिलकर सिमिलर वाइब ऑफ सॉन्ग बनाएंगे तो क्या बनाएंगे देखते हैं। इसमें बाकी सारी बातें बाद में। आई एम रियली एक्साइटेड टू लिसन टू अवारा। तो बेटा हेडफोन जरा प्रकट हो जाओ। ओह यस, सो 3, 2, 1 है वी गो। ओके न जाने मैं ये अब कैसे, मुझे ये क्या हो गया, मैं तेरा हो गया, क्यों ऐसे लगे जैसे आवारा। ब्रो ऑनेस्टली मैं बताऊं, मुझे पता नहीं क्यों ये मेलेडी जो है कहीं कहीं से सुनी सुनी लग रही है। आई डोंट रिमेम्बर एग्जैक्टली। एक बॉय बैंड था ब्लू करके, अगर तुम्हें याद है, जिनका गाना वन लव है ना, पता नहीं ब्लू का कोई गाना था कि वेस्ट साइड का कोई गाना था। थोड़ा थोड़ा तो पता नहीं क्यों मुझे सुना सुना सा ये मेलेडी लग रही है सुनी सुनी। पता नहीं क्या किंग में, किंग ने ऐसा क्या जोन बनाया है कि किंग अपनी बातें शुरू करता है और ऐसा लगता है कि भैया हमारा रोमांटिक हीरो आ गया, रोमांटिक हीरो विद अ पर्सनालिटी, विद अ बढ़िया पर्सनालिटी है ना, वो आ गया और उसके डायलॉग बाजी शुरू। आई डोंट नो, मेरे को वो बॉलीवुड वाइब आती है किंग से। दैट्स व्हाट जिसमें हम सबसे पीछे थे। Yeah. तुम जान लो, हम जान देते नहीं अंदाजों पे, जवाब रख दे तो सवाल खफा होंगे, तभी हम चुप रह के करे सलाम उन्हें जिन्हें इस प्यार में नफा होंगे। कोई जिंदगी काले कामों में प्यार कहाँ है, ना मैं ढूंढू मेरा यार कहाँ है, पर तू सामने है और न जाने। रूट कुछ भी को यार, वाइब बनानी तो आती है भाई साहब। लाइक किंग लाइक बनानी आती है तो हमें पता ही है, लेकिन इस गाने में भी लाइक ही डिड इट मैन, ही डिड इट। मेरे को इसका पार्ट इतना सही अभी पार्ट सुना है, लेकिन मेरे को वो पूरी वाइब आ रही है। पीछे जो कश्मीर का जो म्यूजिक आ रहा है भाई, बहुत ही बढ़िया, पुराने जमाने की मुझे वाइब्स आ रही हैं। वो 2000 हिप हॉप आर एन बी पॉप टाइप के जो सॉन्ग आते थे है ना, जिसमें मेल फीमेल दोनों सिंगर हो या ना नहीं, लेकिन जो बॉय बैंड वाले, वैसा वाला मेरे को फील आ रहा है। तुम्हें वो याद है, वो सुना तुमने सैंटाना का मारिया मारिया, जिसको रिहाना ने भी आई गेस रीमिक्स करा था है ना, थोड़ा थोड़ा वैसी वाली है ना, स्पैनिश, पूरी स्पैनिश वाइब बनाई है। ये अब कैसे, मुझे ये क्या हो गया, मैं तेरा हो गया, क्यों ऐसे लगे जैसे ये गाना जब लाइव ये लोग परफॉर्म करेंगे ना, तुम देखना जनता पागलों की तरह गाने वाली है, स्पेशली फीमेल्स है ना, ये काफी ज्यादा। अब ये या फीमेल्स को ये गाना सुन के बहुत मजा आएगा। आई डोंट नो व्हाई मैन, है ना, मेरे को बस ऐसा फील आ रहा है। ये क्या कर दिया, सब कुछ बदल दिया, जानू ना कैसे अब जिनके सारे काले कामों में, वो क्या ही किसी और रंग से खफा होंगे, कभी ना लेंगे हम तुम्हारा ये नाम, बस दिल ही में रख के फना होंगे। क्यों किंग के गाने बॉलीवुड में नहीं आ रहे हैं, लाइक ब्रो देख रहे हो, लाइक लेवल इस बंदे के राइटिंग का, ठीक है। लाइक मुझे जो काम बॉलीवुड में 2-3-4 लोग मिलके करेंगे, आई गेस वो किंग अकेले कर सकता है, ऐसी मेरे को वाइब आती है भाई। लाइक दूर से खड़े देखेंगे हम, प्यार के पास भी आना नहीं, ये खेल की तरह। डूड ऑनेस्टली मेरे को जब ये गाना स्टार्ट हुआ था, तब मैंने कहा था कि ये गाना मुझे थोड़ा थोड़ा ये मेलेडी सुनी सुनी से लग रही है। आई डोंट गिव अ फक कि मैंने मेलेडी सुनी है नहीं सुनी है इससे पहले, लेकिन भाई ये गाना ओवरऑल बहुत ज्यादा इंप्रेस कर रहा है मेरे को, इतने बढ़िया पार्ट आ रहे हैं। अभी यहाँ पे एक पार्ट सुनना जिसमें हम करेगा है ना, प्यार के पास भी आना नहीं, वो ये खेल की तरह है, कभी हारा है, कभी जीता।
मतलब भाई गाने वैसे जब बनते हैं ना कि उसको साथ में सिंपली गाया जा सकता है, तो मुझे ऐसा लगता है गाने के सक्सेसफुल होने के चांसेस काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं। एंड ये वो गाना है जो इसके साथ अगर कोई 5-6 बार सुन लेगा उसको लिरिक्स याद हो जाएंगे, फिर इस गाने को साथ में गुनगुनाने में बहुत मजा आएगा। इजी टू गुनगुनाने वाला गाना है एंड बढ़िया सी म्यूजिक है, तो यस आई थिंक इट हैज एवरीथिंग टू बिकम अ वेरी हिट गाना। काले कामों में प्यार कहां है, ना मैं ढूंढूं मेरा यार कहां है, पर तू सामने है और ना जाने मैं ये अब कैसे, मुझे ये क्या हो गया। I love this Zayden की मैंने ज़्यादा बात नहीं करी है, लेकिन बहुत बढ़िया हुक डिज़ाइन करा है, बहुत ही बढ़िया। मैं तेरा हो गया, क्यों ऐसे लगे जैसे आवारा, तूने क्या कर दिया, सब कुछ बदल दिया, जानू ना कैसे अब तेरा। इतना मजा आ रहा है ना मेरे को लिटरली वो बॉय बैंड के जमाने की याद आ रही है, और मुझे वो गाने बहुत ज्यादा बढ़िया लगते हैं। तो मैंने वेस्ट साइड को रगड़ के सुना है, मैंने बैक स्ट्रीट्स को रगड़ के सुना है, मैंने ब्लूज को रगड़ के सुना है, एक दो और थे है ना, बॉय जोन भी था क्या, बॉय जोन भी कोई था ना, है ना, मैं नाम भूल रहा हूँ, यस थे है ना। सो मेरे को वो जमाने बहुत अच्छे लगते थे ब्रो, है ना, जब बढ़िया से रोमांटिक काइंड ऑफ सॉन्ग है ना, पॉप सी म्यूजिक है ना, और साथ में आप उनके गा रहे हो है ना, वैसे वाले गा रहे। इसने काफी कुछ मुझे वाली वाइब दी है ना, वो जमाने में ले गए मेरे को, सो आई एम फीलिंग वेरी नॉस्टैल्जिक के साथ, मजा आ रहा है भाई। कब से यहाँ कोई अपना कहाँ था, काली रातें काले कामों में शामिल, दिल लगाना मुझे लगता गुना सा था, yeah, yeah, अब हूँ ना जुदा, तू है नया सपना, कैसे तुझसे खफा होंगे, सिर्फ तेरा है नशा, बाकी कौन यहाँ जिसे अपना कह सकूं मैं, अब तो ये मुझको भी लगने लगा है, काली ये रातों की तू ही सुबह है, अनजानी राह पे तू लगे अपना। प्यारी मेलोडीज आ रही है यहाँ पे, ठीक है, लाइक ये ब्रिज टाइप का गाने का बनाया था और इतना बढ़िया ब्रिज निकल गया है। सेकंडली अभी जब मैं देख रहा हूँ कि गाना ऑलमोस्ट 4 मिनट का है, रियली हैप्पी, क्योंकि 2.5 मिनट के गाने जो है ना मुझे एड की तरह अब लगने लगे, ढाई तो फिर भी ठीक है, सोचो आज का जमाना 2.5 मिनट के गाने मुझे ठीक कहना पड़ रहा है, लेकिन हाँ मुझे ऐसा लगता है एड की तरह आगे चले गए, बट 4 मिनट का गाना, yes bro, feels like कि मैंने एक सॉलिड गाना सुना है बैठ के ढंग से। काली ये रातों की तू ही सुबह है, तू लगे अपना सा, न जाने मैं ये कैसे, मुझे ये क्या हो गया, मैं तेरा हो गया, क्यों ऐसे लगे जैसे शुरू हुआ था तब मैं इतना इंप्रेस नहीं था ऑनेस्टली, लेकिन अब पूरा सुनने के बाद यस लाइक मजे आए, इट्स अ वेरी गुड। सब कुछ बदल दिया, बढ़िया गिटार यूज करे यहाँ पे, मजा आ रहा है यार, लिटरली मुझे नहीं पता तुम लोग रिलेट घंटा नहीं करवा रहे हो, मुझे पता है क्योंकि तुमने उस जमाने के एरा के गाने शायद नहीं सुने होंगे, लेकिन उफ 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 बिल्कुल मुझे वो टाइम जोन में फिर से ले गए ब्रो, बिल्कुल पुराने जमानों की याद आ गई मेरे को, जब मैं स्कूल में था और अंग्रेजी गाने आते थे, मैं MTV VH1 में बैठ के ढूंढ रहा होता था कहां से मिलेंगे NR। वेरी नॉस्टैल्जिक, बहुत प्यारी मेलोडीज एंड Zayden और किंग की आवाज साथ में इतनी अच्छी साउंड कर रही थी है ना, इतनी बढ़िया, इतनी फ्रेश, लाइक लिटरली मैं तो भाई Zayden एंड किंग दोनों को ही, मतलब मैं ये चाहता हूँ कि दोनों मिलके जो भी है ना, लाइक आई एम श्योर दे डिजर्व अ स्पॉट इन बॉलीवुड। एंड किंग ने बोला भी था कि शायद वो किंग खान है ना, शाहरुख खान के साथ गाना बनाएंगे या निकाले कुछ, तो उन लोग का जो भी था अभी तक क्लियर मुझे नहीं बताया, लेकिन हाँ मैं देखना चाहता हूँ किंग को बॉलीवुड में, मैं पूरा टैलेंट देखता हूँ। कश्मीर के बारे में कुछ बात ही नहीं करूँगा भाई, ठीक है, लाइक एक सेकेंड भी मुझे ऐसा नहीं लगा कि जैसे कि म्यूजिक में मुझे मजा नहीं आ रहा है, ठीक है, एंड वो स्पेनिश वाला फील लिया, यस ही इज कश्मीर, ही इज लाइक द OG कश्मीर है ना, आप वाइब दो वो बना के आपको दे देंगे, वो गाने बनाने सिखाते हैं ब्रो है ना, सो यस मजा आया मेरे को। दैट गिटार पार्ट इन द एंड है ना, उसने काफी कंप्लीट कर दिया, वो जो मैं 2090s की बात कर रहा हूँ, लेट 90s की बात कर रहा हूँ, जो गाने आते थे Zayden का हुक
बढ़िया डिजाइन बट किंग के लिरिक्स काफी एक बढ़िया बॉडी है ना, बॉडी गाने का जो बॉडी बना किंग के लिरिक्स की वजह से बहुत ही बढ़िया गया, जो थीम बना है ना वो बहुत ही सही लगा। यस ओवरऑल मेरे को प्रॉपर लेट 90s 2000 वाइब वाला गाना लगा एंड किंग एंड जेडन एंड कैशमीर साथ में तीनों बहुत अच्छा कॉम्प्लीमेंट करे एक दूसरे को, लाइक बीट वॉज ऑन पॉइंट, किंग एंड जेडन इन दोनों ने एक दूसरे को सिंगिंग में बहुत सही कॉम्प्लीमेंट करा। तुमको गाना कैसा लगा कैसा नहीं लगा मुझे नहीं पता, तो मुझे कमेंट्स में बताओ। इंस्टाग्राम पे नहीं फॉलो करते तो मैं कुछ नहीं कर सकता, ऐप को डिलीट कर दो, लेकिन डिलीट करने के पहले एक बार मेरी आईडी चेक कर लेना, अगर फॉलो कर लेना तो डिलीट ना करना, आईडी के नाम है @ ठीक है। चलो बाय, पीस।